हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं केएम लर्निंग चैनल। और आज मैं आपको केएम लर्निंग चैनल के अंतर्गत इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। इस टॉपिक के अंतर्गत आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर कमीशन है जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन यूपीएससी वगैरह में पूछा गया है अलग अलग तरीके से, और उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है। तो आज उसी कमीशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मैं यही बताऊं बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। ओके, और स्टे ट्यून्ड टू केएम लर्निंग चैनल। और आप अफवाहों में मत आए और ना ही किसी की बातों में आए, अपना अकल लगाएं कि ये वीडियो अच्छा है या नहीं। किसी के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर बात करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये है बटलर कमीशन, सुना है ना बटलर कमीशन। बटलर कमीशन का स्थापना कब हुआ था ये पीटी में पूछा जाता है, तो ये जो है 1927 में सेटअप हुआ था, राइट। और ये जब साइमन कमीशन का स्थापना हुआ था जो 1928 में इंडिया में आया था, उसी के समय में बटलर कमिटी का भी स्टैब्लिशमेंट किया था, राइट। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था बेसिकली 3 मेंबर का ये कमिटी बनाया था, बटलर कमिटी। 3 मेंबर्स वेर देयर इन बटलर कमिटी। तो दो पॉइंट आ गए आपके पास, 1927 में साइमन कमीशन के साथ में ही या साइमन कमीशन के समय में ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसमें 3 मेंबर हुआ करते थे, है ना। 3 मेंबर हुआ करता था, मतलब 3 मेंबर था, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और ये 3 मेंबर जो है, हारकोर्ट बटलर, डब्ल्यू एस होल्स वर्थ एंड एस सी पील। सो बटलर बटलर होल्स वर्थ एंड पील, 3 मेंबर्स आर देयर इन बटलर कमिटी। अब ये तीन चीज के लिए होगा, 1927, 3 मेंबर कमिटी और 3 मेंबर का नाम। अब चौथा पॉइंट होता है कि किस ऑब्जेक्टिव से, किस पर्पस से इसका सेटअप किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि इंडियन स्टेट जो उस वक्त हुआ करता था, इंडियन स्टेट एंड पैरामाउंट पावर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी को हाईलाइट करने के लिए, उसी को स्टडी करने के लिए, उसी को रिव्यू करने के लिए इस बटलर कमिटी का सेटअप किया गया था। जैसे इंडिया, जैसे सेंटर एंड स्टेट के रिलेशनशिप के बीच में सरकार या कमीशन का स्थापना हुआ था, सिमिलरली आप कह सकते हैं कि ये भी इंडियन स्टेट्स एंड प्रिंसली स्टेट जो पैरामाउंट पावर जो होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उनके बीच में रिलेशनशिप के ऊपर स्टडी करने के लिए ये सेटअप किया गया था, राइट। और इसको पता ही है, हर एक कमिटी का एक रिपोर्ट होता है जिसमें रिकमेंडेशन होता है, असाइनमेंट होता है, अकॉर्डिंगली उसमें उस असाइनमेंट के ऊपर एक रिव्यू होता है और फर्दर रिकमेंडेशन होता है ना। तीन चीज होता है किसी भी कमेटी में, किस कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस पर्पस से सेटअप किया गया, उस ऑब्जेक्टिव के आधार पे जो काम असाइंड हुआ है उसको वो पूरा करता है, उसके ऊपर रिव्यू रिपोर्ट या रिपोर्ट तैयार करता है, और लास्ट में होता है एक रिकमेंडेशन। कई बार बहुत सारे कमेटी अपना स्टडी के आधार पर रिकमेंड करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा, जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप हुआ करता था अपना स्टेट और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, उसी चीज को हाईलाइट करने के लिए, उसी के रिगार्डिंग रिव्यू करने के लिए इस कमिटी का सेटअप हुआ, राइट। तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया, इंडियन स्टेट एंड द ब्रिटिश रूल। ओके, अब देखिए बटलर कमीशन का जो नेक्स्ट नाम है वो आपने नहीं सुना होगा। तो पहले तो बटलर कमिटी भी बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, एंड आई होप कि आपको इस लेसन से आपको अच्छा फायदा मिलेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगा। तो देखिए, इस बटलर कमिटी का दूसरा नाम है इंडियन स्टेट कमिटी। नाम से ही प्रतीत होता है, मतलब इंडियन स्टेट्स एंड ब्रिटिश रूल या पैरामाउंट पावर या ब्रिटिश पावर के अंतर्गत एक रिलेशनशिप को सेटअप करने के लिए, रिव्यू करने के लिए इस कमिटी का स्थापना हुआ, राइट। अब इंडियन स्टेट कमिटी जो बटलर कमिटी के अंतर्गत था, बटलर के अध्यक्षता में था, ये टोटल 16 स्टेट्स का विजिट किया, हर जगह पे विजिट किया, और अकॉर्डिंगली उसके अनुसार उसने रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन सबमिट किया, राइट। तो इस कमिटी का जो रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट आया है 1929 में, 1927 में इसका सेटअप हुआ था, 1929 में इस्टेब्लिश हुआ था, राइट। अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या था, रिलेशनशिप ऑफ द पैरामाउंट पावर विद द स्टेट्स वाज नॉट मियरली अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बट अ लिविंग ग्रोइंग रिलेशनशिप।
जो पैरामाउंट पावर मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पावर जो था और इंडियन स्टेट के बीच में, बोलता है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे ही नहीं, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप की तरह है, बट सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, बल्कि एक ग्रोइंग रिलेशनशिप है इंडियन स्टेट्स एंड ब्रिटिश पावर के बीच में। क्यों भाई? तो इंटरडिपेंडेंसी है। ब्रिटिश जो है इंडियन स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत सारे चीज के लिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए, और इंडियन स्टेट्स क्या था कि ब्रिटिश के ऊपर नए नए फैसिलिटीज के लिए डिपेंडेंट था, राइट। और यही रीजन है कि इन दोनों का बीच जो रिलेशनशिप है वो सरकमस्टांसेस एंड पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। सरकमस्टांसेस मतलब हमारी परिस्थिति है, पॉलिसी है, उसके आधार पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या को रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो पाता है, करेक्ट। और बाकी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट तो रहता ही है। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट रिकमेंडेशन में था कि हिस्टोरिकल नेचर ऑफ द रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बोलता है कि स्टेट को क्या होना चाहिए, अपना एग्रीमेंट के आधार पे रिलेशनशिप को ट्रांसफर कर देना है, रिलेशनशिप को ट्रांसफर कर देना चाहिए, है ना। स्टेट शुड बी ट्रांसफर्ड, शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट देयर ओन एग्रीमेंट टू ए रिलेशनशिप विथ अ न्यू गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया रेस्पॉन्सिबल टू इंडियन लेजिस्लेचर। मतलब क्या हुआ कि स्टेट का जो पावर है या स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है, दैट शुड नॉट बी द सब्सिडरी पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, ओनली बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। मतलब जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है या एग्रीमेंट के आधार पर जो रिलेशनशिप है, उसके आधार पर किसी भी स्टेट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत डायरेक्टली नहीं लाना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन था बटलर कमेटी का। तो बटलर कमेटी का पहला रिकमेंडेशन हो गया कि स्टेट और सेंटर जो ब्रिटिश रूल के द्वारा कंडक्ट है, उन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है और लिविंग एंड ग्रोइंग है, मतलब दोनों है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फर्दर रिकमेंड करता है कॉन्ट्रेक्चुअली इसे ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, बल्कि कह सकते हैं कि लिविंग ग्रोइंग रिलेशनशिप जो है नीड के आधार पे होना चाहिए, ग्रोथ के आधार पे होना चाहिए, ना कि भाई एग्रीमेंट हो गया ब्रिटिश से और हम अपने स्टेट को सुपुर्द कर दिए ब्रिटिश के सामने, राइट। उसके बाद साइमन कमीशन जो है, जब उसके बाद साइमन कमीशन 1928 में आया, फिर बना 29 में, आपने देखा होगा कि विद्रोह भी हुआ बहुत सारा। तो साइमन कमीशन जब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था तब भी उसने बटलर कमिटी के रिकमेंडेशन को सपोर्ट किया था, उसने इंडोर्स किया था, प्रपोज किया था, रिकमेंड किया था, है ना। इंडोर्स देखिए यहाँ लिखा हो रहेगा, इंडोर्स लिख रहा, ये इंडोर्स कमीशन सब्सटेंशियली इंडोर्स और सपोर्टेड द बटलर कमिटीज फाइंडिंग एंड एग्रीड दैट द वायसराय नॉट द गवर्नर जनरल इन कॉन्स्टेंस शुड बी द एजेंट ऑफ पैरामाउंट पावर इन रिलेशनशिप विद द प्रिंस प्रिंसेस। जो इंडियन प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और वायसराय के बीच में जो रिलेशनशिप हो रहा था, उस रिलेशनशिप में बोल रहा था कि वायसराय जो है डायरेक्ट एजेंट के तौर पे काम करे, ना कि गवर्नर जनरल का जो बॉडी होता है वायसराय का, आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग के आधार पे गवर्नर जनरल इन काउंसिल में मेंबर्स की संख्या, इंडियंस को भी इंक्लूड किया जा रहा था, मेंबर की संख्या अक्सर बढ़ाता जाता था अलग अलग एक्ट के आधार पर, 1909 के आधार पर बढ़ा, 1919 के आधार पर बढ़ा। तो इस तरह से मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स या मेंबर्स इन गवर्नर्स काउंसिल वॉज यूज टू बी इंक्रीज, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वायसराय जो है डायरेक्ट एजेंट के तौर पे होना चाहिए, मतलब मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ब्रिटिश पैरामाउंट या ब्रिटिश पावर का इन रिलेशन टू द प्रिंसली स्टेट्स। इज इट क्लियर और नॉन? अब यहां पे बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट जो बोलता है कि दो ऑफिस होना चाहिए, गवर्नर जनरल इन काउंसिल आपको पता है और वायसराय होना चाहिए, तो इसके बारे में बताता है कि ये दोनों के दोनों दो सेपरेट बॉडी के तौर पे है, ना कि कॉमन बॉडी। नो डाउट कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल हुआ करता था उसका हेड गवर्नर जनरल या वायसराय हुआ करता था, है ना, वायसराय हुआ करना चाहिए होता था, लेकिन इस कमिटी में ये बात बोली गई, बोला गया कि भाई गवर्नर जनरल का जो बॉडी है वो और वायसराय का जो बॉडी है वो इंटायरली डिफरेंट है, सेपरेट है,
और इन दोनों का नेचर ऑफ वर्क भी सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो होते हैं वो बेसिकली कमिटी के तौर पे, ग्रुप के तौर पे हैं, जो काम करते हैं रिकमेंडेशन के आधार पे, बहुमत के आधार पे। बट वायसराय जो होता है कि इंडिविजुअल होता है ना, वायसराय जो इंडिविजुअल होता है और इंडिविजुअली ही वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, राइट। तो इस तरह से ये सारे बटलर कमिटी के रिकमेंडेशन को अगर हाईलाइट करूं तो आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि 1927 में गठित हुआ था, 1929 में इसने फाइनल रिपोर्ट दिया, उसके बाद उसने रिकमेंडेशन में बोला कि भाई ये ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पावर और इंडियन स्टेट के बीच में ना केवल कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है बल्कि लिविंग ग्रोइंग रिलेशनशिप है, ओके। उसके साथ में ये भी बोला गया था कि गवर्नर जनरल के बजाय, गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो होता है उसके बजाय वायसराय को सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फंक्शन दिया जाना चाहिए, और बोथ आर सेपरेट, ओके। सो दैट्स ऑल गाइस। तो बटलर कमेटी के बारे में एक ओवरव्यू आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के, हालांकि मेंस में ज्यादातर इस चीज को पूछा जा सकता हो खास करके यूपीएससी के दरमियान, लेकिन चूंकि पीटी में कभी भी पूछ सकता है बटलर कमीशन कब आया है, उसका रिपोर्ट कब आया है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने लेसन आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो कंटिन्यू कीजिएगा वॉचिंग, लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।